अरे योगी बाबा अगर चाहेंगे तो हम अपने सैप ही चले जाएंगे, हम तो योगी बाबा यानी इतना प्रशासन दिया हमको, बढ़िया तरीके से रखा है, हमने चलो नेवडा अपने बच्चों को लेके, हमारे 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों लेके चले आया मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी बाढ़ आ गई है, आधे तो आगे वाले तो बहुत कॉलोनी में खाली है, आगे बहुत पानी है, कम से कम छाती छाती जितना पानी है आगे तो बहुत खाली करके चले गए, सरकारी स्कूलों में गए हैं सर। आप देखो ये नदी की बांध की वजह से आधों के घरों में पानी भी है, किसी के घर किसी के बर्तन बह रहे हैं, किसी के कुछ बह रहे हैं, तो घरों में बहुत लोगों के पानी घस गया है और जितना पानी घरों में है वो खाना ढंग से नहीं बना पा रहे हैं बेचारे लोग, क्या करें, बच्चों को ढंग से नहीं सुला पा रहे, रात को हम भी ढंग से नहीं सो पाते हैं, रात को हम देखते हैं उड़ के पानी बर्तन आ रहा है, घट गया है बड़ा पानी पानी, इसलिए देखते रात को हम भी ढंग से नहीं सो पाते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, ड्यूटी जाने वाले ड्यूटी कैसे जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम मौजूद हैं हिंडन नदी पे, ये वही हिंडन नदी है जो गाजियाबाद और नोएडा से होती हुई जाती है, अभी यमुना का पानी ठीक से कम भी नहीं हुआ कि हिंडन नदी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। हमारे साथ में यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं जो काफ़ी परेशान हैं, लोगों का कहना यह है कि प्रशासन ने अपील जरूर करी है कि घर छोड़ के चले जाएं, लेकिन जाए तो जाए कहाँ, ना तो कोई जगह दिखाई है ना ही कोई खाने पीने का इंतज़ाम है, लोग परेशान हैं, अपने घर में ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या परेशानी वो झेल रहे हैं और हजारों की तादाद में जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके घरों में जो पानी भर गया है उसकी वजह से वो कितने घबराए हुए हैं। भाई साहब का नाम वाजिद अली। वारे अली जी ये बताइए कि आप यहाँ पे प्रशासन आया था, प्रशासन ने बोला कि भाई आप लोग जो है 48 घंटे के अंदर अपना घर छोड़ के कहीं सुरक्षित जगह पे चले जाएं, तो इस पे आप लोगों का क्या फैसला है? अरे योगी बाबा अगर चाहेंगे तो हम अपने सैप ही चले जाएंगे, हम तो योगी बाबा यानी इतना प्रशासन दिया हमको, बढ़िया तरीके से रखा है, तो हमने चलो नेवडा अपने बच्चों को लेके, हमारे 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों लेके चले आया मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी बाढ़ आ गई। तो बाढ़ तो आ गई, लेकिन अब आप जैसे घर में कब से पानी ये भरा, कब से पानी कब से आया? पानी तो ये यानी 3-4 दिन से आ रहा है, लेकिन अभी हल्का हल्का है, अभी ये रात को यानी बोला जा रहा है कि चढ़ जाएगा, तो फिर यानी बच्चों को लेके फिर क्या यानी सैप ही जाएंगे। ठीक है, लोगों का कहना ये है कि अपने गांव चले जाएंगे, कुछ लोग और यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। तो चले गए हैं आधे, तो आगे वाले तो बहुत कॉलोनी में खाली है, आगे बहुत पानी है, कम से कम छाती छाती जितना पानी है आगे तो बहुत खाली करके चले गए, सरकारी स्कूलों में गए हैं सर। आप देखो ये नदी की बांध की वजह से आधों के घरों में पानी भी है, किसी के घर किसी के बर्तन बह रहे हैं, किसी के कुछ बह रहे हैं, आधे स्कूल में चले गए, आधे यहाँ पे है, आधे पिलंग लेके भी जा रहे हैं, आधे हुए भारी भी पड़ रही है आपस में तो सोच रहे हैं खाली करेंगे। नहीं यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये नदी है ये सूखी पड़ी रहती थी। हाँ ये अब पहली बार ऐसा हुआ है कि नहीं, 2004 में 2004 में आई थी एक बार बाढ़, 2004 में सर इतना पानी हो गया था शनि मंदिर के वहाँ तक पहुँच गया था, 2019 में आई है। अब यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में पानी चला गया अंदाजा? 19 साल बाद ही तो आई है, 19 साल बाद कम से कम इतना पानी है छाती छाती जितना। ठीक है, तो बहुत प्रशासन ने जो आपको बोला है कि यहाँ से खाली करके चले जाइए, तो आपको जगह दिखाई है कुछ? हाँ सरकारी स्कूल है, ये पोस्टर लगा रखे है यहाँ पे सर, आधे गए भी है आधे नहीं जा रहे, आधे नू नहीं जा रहे, थोड़े किसी के बच्चे है किसी के घर में सामान भी है, कोई सोचता है ऊपर चढ़ा लो, कोई सोच रहा है कि नीचे रहने दो, आधों के घर में पानी भी है। अब देखो 19 साल बाद बाढ़ आई है यहाँ पे फिर दोबारा से। ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे जो यहाँ के स्थानीय हैं और काफ़ी 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। भाई साहब आपका नाम? बिरजू। हैं बिरजू। बिरजू जी जो आपने हिंडन नदी को इतना विकराल रूप देखा है, इससे पहले कब पानी आया था इतने? सन 2004 में आया था, तो मतलब करीब 20 साल बाद दोबारा आया है। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ पे मतलब कितने घर हैं ऐसे जिन जो इस पानी जिनके घरों में घुस गया और लोग क्या क्या आप सब परेशानी झेल रहे हैं? आगे बहुत परेशानी झेल रहे हैं, आगे घरों में बहुत लोगों के पानी घुस गया है और जितना पानी घरों में है वो खाना ढंग से नहीं बना पा रहे हैं बेचारे लोग, क्या करें, बच्चों को ढंग से नहीं सुला पा रहे, रात को हम भी ढंग से नहीं सो पाते हैं, रात को हम देखते हैं उड़ के पानी बर्तन आ रहा है, घट गया है बड़ा पानी पानी, इसलिए देखते रात को हम भी ढंग से नहीं सो पाते हैं।
ठीक है, ये जैसे प्रशासन ने अपील तो आपसे करी कि यहाँ से आप चले जाइए, लेकिन कोई इंतजाम किया है जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं? इंतजाम कुछ किया ही नहीं है, बताया नहीं है कहाँ पर रखेंगे, कहाँ जाकर रुकेंगे। अरे कम से कम आए के बताएं कि फला जगह आप जाइए, वहाँ आपका इंतजाम कर दिया गया, कुछ नहीं है यहाँ पर? नहीं, बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं कि आप सरकारी स्कूलों में चले जाओ। सुना है सरकारी स्कूल में जाने के लिए, सुना है, मगर कहाँ पर सरकारी स्कूल, ये वहाँ पर कितने लोग रहेंगे? अच्छा, कुछ खाने पीने का इंतजाम किया गया है? कुछ खाने पीने, अभी अभी आप लोग कैसे, मतलब खा पी कैसे रहे हैं? जब घर में पानी भर गया है तो खाना पीना कैसे कर रहे हैं, सो कैसे रहे? तो खाना पीना तो ये करना ही पड़ेगा। कितनी दिक्कत कितनी आ रही है? दिक्कत तो बहुत आ रही है, परेशानी। जैसे कि आज बच्चे बना रहे हैं, छत के ऊपर बना रहे हैं खाना, नीचे थोड़ी बनाएंगे खाना, पानी भर रहा है। योगी मोदी के दौर में देश में क्या है? यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि घर में जो पानी भर गया है तो उसके लिए लोग अपने घरों पे की छतों पे चले गए हैं और वहाँ पे खाना बना रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, छोटे बच्चे भी हैं उनके पास में, और यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग जो है अपने घरों के बाहर खड़े हैं और सिर्फ इस पानी को निहार रहे हैं कि किस तरीके से कम हो जाए, और जो कम हो जाए और जो लोगों की जो समस्या है वो कम हो जाए। मैडम आपका नाम? रहमत तिवारी। मैम, जिस ये जो पानी है ये आपके घर में घुस गया है तो कितनी परेशानी हो रही है बच्चों को खाने पीने में, और आप लोगों को कितनी टेंशन कितनी हो रही है? बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, ड्यूटी जाने वाले ड्यूटी कैसे जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो कुछ सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपकी मदद करी गई है? कुछ नहीं करी गई, फिलहाल तो मदद नहीं करी गई। इतना होता है कि थाने चौकी से आते हैं, सीनियर आते हैं, सर आते हैं, ऑफिसर आ रहे हैं, चले आते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं, कोई हेल्प नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। अगर वो हेल्प करते तो पानी यहाँ तक नहीं आता, अभी तक पानी नीचे नहीं जाता, ये आज ही चढ़ा यहाँ पर पानी। नहीं, प्रशासन ने अपील करी है कि 48 घंटे में आप सुरक्षित जगह पे चले जाओ या जो सरकारी बिल्डिंग है उनमें चले जाओ। आप लोग जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? एक बात बताएं, आप बोल दो या उन्होंने बोल दिया, अब अगर उनसे पूछा जाए, बच्चे भी हैं, घर का सामान भी है, क्या क्या लेके जाएगा इंसान? नहीं नहीं, वो तो उनका कहना ये है ना कि कुछ टाइम के लिए आप चले जाओ, पानी डाउन हो जाएगा फिर आ जाना। अगर वो चाहे ना तो इस पानी को कम कर सकते हैं, उनके हाथ में है। कैसे, क्या बेबा बताएं, सरकार के हाथ में क्या चीज नहीं है? जिस पर्दे को खोल के पानी भेजा जा रहा है, उस पर्दे को रोक के पानी रोका नहीं जा सकता, बताएं। तो अभी फिलहाल जो आपकी समस्या हो रही है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, तो क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको? सभी चीज की दिक्कत है, घर में राशन भी नहीं है इतना, खाना भी रोजाना का है, हर इंसान के पास ये है कि हर रोज आना, हर रोज लेकर आना है। ठीक है, एक सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है पूरे, बल्कि मैं तो साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर भी लूं, बट और कैसे करेंगे? गरीब आदमी रोज ड्यूटी जाते हैं, रोज ड्यूटी जाते हैं, इतना कहाँ से लाएगा? जब कमाने नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? ड्यूटी की है, जितने भी है यहाँ ड्यूटी वाले। ज्यादातर लोगों का कहना ये है कि जो इनके घर वाले हैं वो कमाने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, सबसे ज्यादा समस्या ही उन्हें हो रही है, क्योंकि जब कमा नहीं रहे तो बच्चों को खिलाएंगे क्या। दूसरा, लोगों का कहना ये है कि फिलहाल वो अपने घरों की छत पे खाना बनाकर अपने बच्चों को तो खिला रहे हैं, लेकिन अपने घर को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। नोएडा से भूपेन चौधरी, यूपी तक।